बना रहे हैं घेवर, उसके लिए सबसे पहले हम बना रहे हैं रबड़ी। तो मैंने ले लिया एक पैन, इसमें मैं डाल दूंगी एक चम्मच देसी घी। इससे क्या है, जो वो है ना रबड़ी बनाते टाइम वो चिपकेगा नहीं दूध, तो इसे मैं अच्छे से इस तरह से फैला देती हूँ। और लगभग मैंने एक लीटर दूध ले लिया है, इसे मैं रख देती हूँ उबलने के लिए। तो धीरे धीरे ये गाढ़ा होता रहेगा इस तरह से। और ये फुल क्रीम दूध है, तो मैंने एक लीटर दूध लिया है, इसकी मैं रबड़ी बना लेती हूँ। अभी मैं इसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, अभी मैं इसी तरह से दूध गाढ़ा कर लेती हूँ और आगे की तैयारी करती हूँ। अब हम ले लेते हैं एक मिक्सी जार, इसमें मैं डाल दूंगी 4 चम्मच देसी घी। और इसमें देसी घी का यूज करना बहुत अच्छा, इससे टेस्ट आता है। वैसे तो जो मार्केट में मिलता है वो लोग तो वैसे ही डाल देते हैं उसमें डालडा वगैरह, पर हम बनाएंगे जब घर में बना रहे हैं तो हम देसी घी का यूज़ करेंगे। तो मैंने इसमें 4 चम्मच देसी घी ले लिया है। और इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ 4 से 5 इस तरह से आइस क्यूब्स। और आज जो तरीका मैं बता रही हूँ इससे इतनी जल्दी घेवर बन के तैयार होगा और बहुत आसान भी है बनाना। अब हम इसे अच्छे से चला लेते हैं, आपको दिखाती हूँ कितना हमारा जो घी है ना बिल्कुल जम गया है नीचे बर्फ की वजह से। ये देखिए इस तरह से हो गया है बिल्कुल टाइट सा, इसी तरह का हमें चाहिए। ये देखिए, अब इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कप दूध, ठंडा दूध है ये, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, हमें सब चीज़ ठंडी ही इसमें यूज करना है। अब हम इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये देखिए मैं दिखा देती हूँ कितना अच्छा हमारा मक्खन सा तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसमें और चीज़ें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ठंडा रहता है तभी हमारा घेवर बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। अब हम इसमें डाल देंगे सिर्फ 1 चम्मच बेसन, ये हलवाई लोग ज़रूर डालते हैं। और साथ में मैंने लिया है 1 कटोरी, ये मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब मैदा लिया है, ये ले लेती हूँ। और इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। और इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करती चली जाऊंगी, और पानी बहुत ही ठंडा इस तरह से। और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और एक पतला सा घोल तैयार कर लेती हूँ मैदा डाल डाल के। अब ये देखिए इस तरह का हमारा जो बैटर है ये तैयार हो गया है। अब इसी समय मुझे अभी थोड़ा सा बैटर भी गाढ़ा लग रहा है, और पर उससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ 1 नींबू का रस, और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लगभग 1 कप के करीब, क्योंकि जितना पतला होगा उतना अच्छा बनके तैयार होगा। थोड़ा सा ही डालेंगे और इसे एक बार और मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। अब मैंने एक बर्तन में बर्फ ले लिया है थोड़ा सा, जिससे क्या है ये ठंडा रहेगा। हाँ बिल्कुल, और इसमें रख देती हूँ मैं ये बर्तन, और इसमें ये अपना बैटर निकाल के, ये देखिए इस तरह का पतला बैटर है। हमारी जो रबड़ी है ना वो भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है, आपको दिख रही होगी, पर थोड़ी सी और पकानी है हमें, और थोड़ी रख के ये गाढ़ी हो जाएगी। इसी समय मैं ज़्यादा नहीं 2 से 3 चम्मच चीनी डाल देती हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे। मैंने 3 चम्मच चीनी इसमें ऐड कर दी है और इसे मिक्स कर देती हूँ। और अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पका लेंगे तो ज़्यादा रबड़ी गाढ़ी हो जाएगी, और कम पकाएंगे तो वो फिर उस पर जो है ना चिपकेगी नहीं, और फिर हमारी जो उसमें है घेवर के अंदर रबड़ी चली जाती है, तो वो फिर सौगी सौगी सा हो जाता है घेवर। तो इसलिए बस ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 मिनट मैं और पकाऊँगी, क्योंकि ये रख के गाढ़ी हो जाएगी ऑलरेडी। और अब हम सबसे पहले घेवर बनाना शुरू करते हैं। अब ये देखिए इस तरह का हमारा बैटर है, और अब मैंने ले लिया 1 प्लास्टिक की जो बॉटल रहती है ना हमारे घर में होती है, क्योंकि मैं आज आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ। और इसमें मैं ये बैटर डाल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से, इससे हम बहुत आसानी से बना के तैयार कर लेंगे। जितना आराम से इसमें बैटर आएगा, आधी बॉटल के करीब हम इसमें डाल लेते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए मैंने इस बॉटल में कर लिया है जो प्लास्टिक की होती है, और इसमें एक छोटा सा होल सा कर लिया है। इससे क्या है, वैसे तो हम चमचे से भी डाल सकते हैं, पर इससे इक्वल पड़ेगा, तो इसलिए मैं इस तरह से डाली, और सावधानी भी रहेगी थोड़ा। ले लिया एक भगोना, और इसमें नीचे नीचे थोड़ा सा मैंने वो लिया है देसी घी, जिससे कि थोड़ी सी हमें स्पेस मिल जाए जब हम घेवर का बैटर डालें तो एकदम से ऊपर ना आए, क्योंकि ये एकदम से ऊपर आता है।
और दूसरा इसकी फ्लेम का, जितना हमारा तला है इसका उतनी हमें फ्लेम हर समय रखनी है तेज। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर एक्स्ट्रा तक जाए। अब हम क्या करेंगे, सेंटर में लेंगे, थोड़ा सा डालेंगे और पीछे हट जाएंगे क्योंकि एकदम से छींटे ना आए हमारे ऊपर। तो मैं थोड़ा सा डालती हूँ इसमें, एकदम से जाली से बन के आ रही है। थोड़ा थोड़ा करके एक आध बार और हम डालेंगे ऐसे, और जब घाट कम हो जाए तभी हम इसमें बैटर डालें। जब घाट हमारे कम हो जाते हैं फिर डाल दें। ऐसे इसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। और अब ये देखिए इस तरह से बन गया। अब ये नाइफ की मदद से हम किनारे जो है ना इसके इस तरह से कर देंगे, ये देखिए, और इसे थोड़ा सा दबा के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए इस तरह का हमारा ये बनके तैयार हो गया है। और बाकी भी हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। अब हम बना लेते हैं इसके लिए एक चाशनी। उसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया, इसमें मैं डाल दूंगी एक कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी, और हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो इसे मैं अच्छे से पका लेती हूँ, और ज़्यादा नहीं है, मैं जैसे हम थोड़ा सा उसकी गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं ना एक तार की चाशनी उस तरह से। तो मैं, और इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी एक इलायची तोड़ के, उस एक इलायची इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। और अब हम इसे पका लेते हैं। देखिए हमारी चाशनी भी अच्छे से बन गई है एक तार की। अब हम इसे थोड़ी सी ठंडी कर लेते हैं और फिर सर्व करते हैं। घेवर बन के तैयार है, अब हम सर्व कर लेते हैं। अब मैंने ले लिया एक प्लेट में एक घेवर का पीस, इसमें मैं डाल देती हूँ हल्की हल्की चाशनी। चाशनी थोड़ी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, जिससे कि थोड़ा सा मीठा हो जाए। और अब इसके ऊपर हम लगा लेते हैं रबड़ी। ये रबड़ी बन के तैयार हो गई थी मेरी, ये देखिए इस तरह से रबड़ी होनी चाहिए, ना इससे पतली ना इससे गाढ़ी। और अच्छे से हम इसे लगा देते हैं चारों तरफ, और ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करके देखें। मैं अच्छे से लगा लेती हूँ सब पे। हम इस पे डाल देते हैं थोड़े से पिस्ता, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे। इससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है, वह मेन तो घेवर का रहता है। ये देखिए इस तरह से अब हमारा घेवर बन के बिल्कुल तैयार है। अब हमारे घेवर बन के तैयार है, ये देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं, और कितनी अच्छी जाली आई है, आप देख रहे हैं ना, परफेक्ट बिल्कुल। तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।